जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास, और आज देखने वाले डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, इसमें लाइन एथिक्स में एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था। इसमें कह दिया डिफाइंड ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता, राइट एंड ड्यूटी एंड पावर ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। मतलब सबसे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता है इसके बारे में बताना है, उसकी ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में बताना है, इसका पावर क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में समझते हैं। जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीआई। इसमें क्या लिखा, अंडर एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए सुटेबल नंबर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर देयर रिस्पेक्टिवली एरिया। मतलब क्या कह रखा, हर एक एरिया में डिपेंड करता कितना बड़ा एरिया है, सेंट्रल लेवल पे और या स्टेट लेवल पे एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कि सुटेबल ड्रग्स इंस्पेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब ड्रग्स इंस्पेक्टर होने चाहिए, पहला दुखा, ए ड्रग्स इंस्पेक्टर इज अ गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए ऑफिशियली। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता किसके लिए, फॉर, ठीक है, इंश्योर डेट ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस आर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन से लीगल स्टैंडर्ड ऑफ एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब क्या होता है, इतने पॉइंट के पालिए, एक ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, सॉरी, गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे अप्रूवल होता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर, मतलब कहीं भी इंश्योर कर सकता है किसी भी ड्रग्स से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, कोई मेडिकल डिवाइस हो उससे रिलेटेड, कैसे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे उसे सेल कर रहा है, लीगल तरीके से स्टैंडर्ड है या रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे कौन होते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बाद। अब इनकी ड्यूटी क्या होती है, करते क्या है, सबसे पहले क्या, अब दुकान पे आप चले गए तो सैंपल कलेक्शन कर लेंगे, पहली चीज़ है कि आप दवा में कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहे हैं ना कि विदाउट लैब टेस्टेड किसी कंपनी से आप मंगवा लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टेस्टिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं कि किसी भी कर सकते हैं, आपके मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो सैंपलिंग कर सकते हैं। इन्फोर्स करेंगे रन ऑफ शॉप एज पर लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब आपके ऊपर फोर्स डालेंगे। ठीक है, फोर्स डालेंगे कि भाई आपकी जो शॉप है, दुकान है, वो किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी चलनी चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, रिपोर्टिंग आपके पास पूरा प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट, मतलब क्या कर देते हैं, आपको मेंटेन करना है या मॉनिटरिंग करनी है कोई एडवर्स इफेक्ट किस दवा के द्वारा क्या चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपका जितना भी प्लान होना चाहिए सब कुछ एक अच्छे मैनर में क्या होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये इनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, अब क्या लिख रखा, इनकी पावर क्या होती है इनकी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्री यानी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, मतलब आपके दुकान पे जाएं, अब वो आपको बोल सकते हैं भाई आपको ये कागज़ दिखाइए, ये कागज़, ये सब करवा सकते हैं। इंस्पेक्टेड टेक प्लेस ऑफ द एनी रिकॉर्ड, मतलब आपके कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं उससे रिलेटेड, इससे मेडिकल से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन आपके पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है प्रोसिक्यूशन भी आपसे कर सकते हैं, ऑर्डर रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आप ऑर्डर मंगा रहे हैं, कितने क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, सब कुछ जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं, ये सब भी मेंटेन करने का काम इन्हीं का होता है। यहाँ पर तुमसे क्या होगा, इश्यू डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन इन्हें दिखा उस पर हम इश्यू यानी एक्शन ले सकते हैं, यानी सर्च वारंट, मतलब आपके खिलाफ क्या सर्च वारंट भी जारी कर सकते हैं कि आप लाइसेंस से क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं या लॉ या रेगुलेशन को अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका सिंपल फॉलो फेल हो जाएगा तो जिस कंपनी पे लाए हैं उस कंपनी पे क्या कर दिया जाएगा, ठोंक दिया जाएगा, क्या एक दावा ठोंक दिया जाएगा कि आपका जो हुई प्रोडक्ट है उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो लिखे उन इंग्रेडिएंट पाया नहीं गया है, इससे केस लड़ने के भी आपको पड़ेगा। तो यही आपके क्या हो जाएगा, पावर आप, ठीक है, यहाँ से दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास ड्रग्स इंस्पेक्टर मालिक आएगा तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर इसकी क्या होगी, ड्यूटी लिख सकते हैं, यहाँ से ड्यूटी आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डालनी है, यहाँ से पावर ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर, एक्चुअली में ड्रग्स इंस्पेक्टर का पावर क्या होता इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल और टोटल ड्रग्स इंस्पेक्टर के क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम मिलेंगे ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।